टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. सो द इन द ऑल ओवर द वीडियो और कंटेंट इज़ योर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेस इन देयर कंक्लूजन. सो वॉट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट? अ प्रोडक्ट इज़ एनी थिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिसफाई नीड्स एंड वॉन्ट्स. अ न्यू प्रोडक्ट इज़ एनी प्रोडक्ट विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाई द कस्टमर एज बिंग न्यू. New product, new to the world, new to the product line, addition to existing product line, improvement and revision of existing product, repositioning, cost reduction. So new product क्या है? कोई ऐसा product, कोई ऐसी anything, कोई thing ऐसी जिसको हम market में launch करते हैं ताकि जो हम एक customer की needs and wants को satisfy कर सकें. And new product में एक तो हो सकता है जो पूरे world के लिए new है, या प्रोडक्ट लाइन में कुछ न्यू है, या हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसमें कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं, या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या हम उसकी रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, या उसमें हम कुछ कॉस्ट रिडक्शंस कर रहे हैं. नाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड थ्रू द फर्म्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट आ सकती है, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन आ सकती है, या हम प्रोडक्ट को जब हम डेवलप करते हैं थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और इसमें क्या क्या स्टेज आती हैं? इसमें स्टेजेस आती हैं हमारी आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी. आइडिया फ्रॉम यूजिंग क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स एंड जनरेटेड थ्रू द फर्म्स इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. सो बेसिकली आइडिया जनरेशन क्या है? जिसमें हम एक आइडिया जनरेट करते हैं. आइडिया हम किस तरह से जनरेट करते हैं? आइडिया हम थ्रू कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जनरेट करते हैं. जैसे कि जिसमें हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसके बेस में हम एक न्यू आइडिया लेके आते हैं. इंटरनल सोर्सेज में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं एंड थ्रू एम्प्लॉयज़ हम इन चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं. और एक्सटर्नल में हम थ्रू द कस्टमर्स, थ्रू द कंपटीटर्स, सप्लायर्स, ऑनलाइन ओपिनियन से लोगों की राय को इकट्ठा करते हैं और फिर हम एक आइडिया, न्यू आइडिया जनरेट करते हैं. देन आता है आइडिया स्क्रीनिंग, फिल्टरिंग द आइडिया टू पैक आउट गुड वंस एंड ड्रॉपिंग द पुअर वंस. It involves a primary elimination process in which a large number of product ideas selected in terms of organization's objective, policies, technical feasibility and the financial viability. Total ideas are categories into three groups. They are promising ideas, marginal ideas and rejected ideas. And in screening ideas, the companies normally face two serious errors. They must try to avoid these errors, that is the drop errors and go errors. So basically, idea screening में हम क्या करते हैं? हम तो पहले देखो, हम जब idea generate करते हैं, number of people अपने ideas देंगे. Number of people जब हम survey करेंगे तो वो अपने ideas देंगे कि वो क्या करना चाहते हैं. उन सभी ideas को सबसे पहले हम collect करते हैं. कलेक्ट करने के बाद हम उन आइडियाज़ में से जो बेस्ट वन है उसको हम चूज़ करेंगे. तो जो हम आइडिया है उसको हम थ्री कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. जैसे कि प्रॉमिसिंग आइडिया, जिसमें हम प्रॉमिस आइडिया होता है, जिसमें मार्जिनल आइडिया मीन्स चेंजिंग. देन रिजेक्टेड आइडियाज़, मतलब कुछ आइडियाज़ हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं और हम प्रॉमिस करते हैं हम इसको फुलफ़िल करेंगे. कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनको हम ये सोचते हैं कि हम इसमें चेंजेस करेंगे, और कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको हम ये सोचते हैं हमने रिजेक्ट कर देना है. देन और इन आइडियाज़ को जब हम फेस करते हैं तो बेसिकली हम दो तरह के एरर्स को फेस करते हैं, दैट इज़ अ ड्रॉप एरर एंड गो एरर. देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. हियर द प्रोडक्ट आइडियाज़ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कंसेप्ट. जब हम एक आइडिया चूज़ कर लेते हैं तो क्या हमने करना क्या है, तो वो हमारा आइडिया हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट बन जाता है. प्रोडक्ट आइडिया मीन्स पॉसिबली प्रोडक्ट दैट कंपनी में ऑफर टू बी द मार्केट. सो वो आइडिया क्या है, जो आइडिया को लेकर हम उस तरह का प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करेंगे. और प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, जिसमें डिटेल वर्जन ऑफ आइडिया है, मीनिंगफुल कंज्यूमर आइटम्स. और व्हेन डेवलपिंग प्रोडक्ट कंसेप्ट फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फॉलोज. तो जब हम एक आइडिया या कंसेप्ट को यूज़ कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, तो हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान करते हैं, दैट हु विल यूज़ द प्रोडक्ट, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट शुड बी द प्रोडक्ट प्रोवाइड, एंड व्हेन
विल द प्रोडक्ट बी कंज्यूम्ड। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ कौन करेगा, इसका बेनिफिट क्या होगा और इसको वो कब कब कंज्यूम करेंगे। तो जब प्रोडक्ट आइडिया को प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसेप्ट की टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट कंसेप्ट टू टारगेट कंज्यूमर फिजिकल सैम्पल कैन गेटिंग देयर रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक टारगेट मार्केटिंग में टेस्टिंग करते हैं, वी कैन से हम सैम्पल तैयार करते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारे कस्टमर्स का क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं, उस आइडिया को हम क्या करते हैं, वो करते हैं सेलेक्ट करते हैं बेस्ट वन आइडिया को। जब बेस्ट वन आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एंड जब टेस्टिंग डन हो जाती है देन हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं मार्केट के लिए, जिसमें क्या है, आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग फॉर कंसेप्ट दैट क्वालिफाई अ प्रीमियरली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इज क्रिएटेड टू इन्वॉल्व न्यू प्रोडक्ट इन टू मार्केट। तो उसके बाद हमने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले इन सारी चीज़ों को करना है। क्या करना है, हमने अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा कस्टमर किस टाइप का है, एनालाइज द मार्केट इन विच वी कम्स टू नो दैट व्हाट टाइप द कस्टमर इन द मार्केट एंड व्हाट बेसिकली द कस्टमर वॉन्ट, एनालाइज द कंपटीशन, वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट कि हमारे कंपटीटर कौन से हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्राइस रखना है, रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ करना है, देन मार्केटिंग मिक्स के जो हमने 4 P's किए हैं उनको डिफाइन करना है, एनालाइज द फाइनेंशियली अपनी पोजीशन को भी एनालाइज करना है दैट हम कितने एक्सपेंसेस कर सकते हैं और इन हमें रिटर्न में कितना वापस आएगा, एंड रिव्यू एंड रिवाइज, देन सारी चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करके सेटल डाउन करना है। नाउ another one is a business analysis. This stage will decide whether from financial as well as a marketing point of view the project is beneficial or analysis. तो business analysis में basically हमने ये देखना है कि marketing point of view से या project point of view से क्या जो हम product launch कर रहे हैं वो beneficial है कि नहीं है। In business analysis में हमने क्या करना है, हमने estimate करना है selling price based upon a competition and customer feedback, हमने सेल वॉल्यूम जो है एस्टिमेट करना है बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द मार्केट, हमने प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रेक इवन पॉइंट भी अपना एस्टिमेट करना है। इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है ताकि हमें जो फाइनेंशियल लॉस है जो बिज़नेस को ना हो, क्योंकि एक जो बिज़नेस है उसका मेन टारगेट कोई प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करने का है या प्रोडक्ट को डेवलप करने का है वो यही है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी वर्थफुल नहीं जाएंगी। तो हमने डिटेल में बिज़नेस को एनालिसिस करना है। इफ़ अबव आर मैच विद द कंपनीज ऑब्जेक्ट, अगर सारा कुछ कंपनी के ऑब्जेक्ट से मैच करता है देन हम जो न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट मूव्स टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, जो हमने प्रोडक्ट कंसेप्ट बनाया था, प्रोडक्ट जो हमें लेके आना था वो हमारा डेवलपमेंट स्टेज पे मूव हो जाएगा। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप टू नाउ द प्रोडक्ट है एग्जिस्ट ओनली अ वर्ड डिस्क्रिप्शन और ड्राइंग, द कंपनी विल नाउ डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट आइडिया कैन ट्रांसलेट इनटू टेक्निकली एंड कमर्शियल फिजिबल प्रोडक्ट। इस स्टेज में हमने जो फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या हमारा प्रोडक्ट हमने एक्चुअल में जो हमने अपने प्रोडक्ट को है फिजिबल स्टेज पर लेके जाना है कि नहीं जाना। सो आप थ्रू द डायग्राम यू कैन सी इन वेयर वी प्रोड्यूस अ फिजिकल प्रोटोटाइप and we test the product, then we conduct focus group customers and make the adjustments. So this is basically the final stage before launching your product. Then we will do the marketing testing. Now the product is ready to be branded with the name. अब यहाँ पर जो आपका product है वो ready है with the name, with the logo and with the packaging. और ये एक प्रीमियरली मीन्स वी कैन से स्टार्टिंग मार्केटिंग टेस्टिंग स्टेज पे जाएगा। मार्केटिंग टेस्टिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग अ प्रोडक्ट फॉर सेल इन वन और मोर सेलेक्टेड एरिया एंड ऑब्जर्विंग इट एक्चुअल परफॉर्मेंस। और हम इसको और 2-3 जगह पे जो प्रोडक्ट को सेल करेंगे और हम रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर्स देखेंगे। और इसके बेसिकली मेथड क्या है, सेल्स, वेब रिसर्च, सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग, कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग एंड टेस्ट मार्केट्स। Now there is a commercialization. After अगर अब जो हमारी टेस्टिंग है जो हमने सिर्फ टेस्ट करना था कि अगर हम
प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्या लोग उसको बाय करते हैं, क्या लोग उस पर गुड रिएक्शन देते हैं, अगर ये गुड हो जाता है तो हमने क्या करना है, इसके कमर्शलाइजेशन स्टेज पे जाना है। क्या करना है इस स्टेज पे, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन कमर्शियल बेसिस इज रिपीटली बिल्ट अप एंड इम्प्लीमेंटेड टोटल मार्केटिंग प्लान। सो हमने बेसिक जो मार्केटिंग प्लान डेवलप करना है, जिसमें हमने क्या करना है कि वेन टू लॉन्च, कब लॉन्च करें, किस जगह पे लॉन्च करें, टू वूम किसको लॉन्च करें और हाउ, किस तरह से इसको लॉन्च करें। देन सो आफ्टर दिस इज़ बेसिकली जो थे ये 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फेज था एक न्यू प्रोडक्ट का। नाउ कंक्लूजन हमारा क्या है, ये है कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, ठीक है, मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन दो, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करो एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लो, तभी जो है जो आप अपना प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो और मोर एंड मोर प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।